हेलो फ्रेंड्स, चलो स्टार्ट करते हैं राजस्थान के राजनीतिक संगठन। ये वीडियो मैं उन भाइयों के लिए बना रहा हूँ जो दृष्टिबाधित हैं या फिर कार्यस्थल पर उनको इतना समय नहीं मिलता कि वह पढ़ सकें। तो राजस्थान के जितने भी राजनीतिक संगठन हैं उनके बारे में मैं आपको आज पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? तो इत्मीनान से पढ़ें, ठीक है? तो क्या है कि सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं कि देश हितैषी सभा, देश हितैषी सभा उदयपुर में थी और इसका गठन उदयपुर में 2 जुलाई 1877 को मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह द्वारा किया गया, उन्हीं की अध्यक्षता में। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? वैवाहिक समस्याओं को सुलझाना। और फिर क्या हुआ कि इसने दो प्रतिबंध लगाए थे। कौन कौन से? एक तो राजपूतों में विवाह के अवसर पर खर्च कम करना, और दूसरा था जो बहुविवाह प्रचलित थी उसके संबंध में नियम बनाना। देश हितैषी सभा 1877 के अंदर मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह द्वारा बनाई गई उदयपुर के अंदर। और इसका मुख्य काम क्या था कि राजपूत विवाह के अंदर कम खर्च करे, तो इसी के संबंध में दो नियम बनाए जाए। एक तो खर्च कम करने का नियम और दूसरा बहुविवाह के संबंध में नियम बनाने के लिए, ठीक है? तो देश हितैषी सभा 2 जुलाई 1877 मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह द्वारा, ठीक है? फिर देखते हैं वाल्टर करत हितकारिणी सभा, वाल्टर करत हितकारिणी सभा, ठीक है? यह अजमेर में बनाई गई। किसके द्वारा? वाल्टर के द्वारा बनाई गई थी। और एजीजी कार्यवाहक, एजीजी थे जो राजपूताना के कर्नल वाल्टर, उन्हीं के द्वारा बनाई गई थी। और 1888 में मृत्यु भोज संबंधी खर्च कम करने तथा लड़के लड़की की विवाह की आयु निश्चित करने के लिए इसको बनाया गया था। फिर क्या है, 1889, एक वर्ष बाद इसमें अजमेर सभा में इसका नाम वाल्टर करत राजपूत हितकारिणी सभा कर दिया गया था। और इसके मुख्य निर्णय क्या क्या लिए गए थे कि वाल्टर करत हितकारिणी सभा के, एक तो बहुविवाह को प्रतिबंध करना, दूसरा लड़के की आयु तो 18 वर्ष रखी गई और लड़की की आयु 14 वर्ष लिखी गई विवाह के लिए, और दूसरा जो विवाह के पक्ष में जो वर पक्ष की ओर से उपहार दिए जाते हैं, टीके और रीत की प्रथा को बिल्कुल समाप्त करने का भी निर्णय लिया गया वाल्टर करत हितकारिणी सभा, जो कि कब बनाई गई थी? 1888 में वाल्टर द्वारा बनाई गई थी। वाल्टर कौन थे? यह कार्यवाहक एजीजी थे, कर्नल वाल्टर, ठीक है क्या? फिर क्या हुआ कि अगले ही वर्ष 1889 के अंदर इसका मुख्यालय अजमेर में रख दिया गया। और इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे कि एक तो बहुविवाह को रोकना और दूसरा जो लड़के लड़की आयु है, लड़के की आयु 18 वर्ष और लड़की की आयु 14 वर्ष कर दी जाए। और इसके अलावा एक तो टीके की प्रथा और एक रीत की प्रथा है जो बंद कर दी जाए, जो कि वर पक्ष द्वारा लेके आए थे, आया जाता था, ठीक है क्या? फिर चढ़ते हैं दोस्तों आगे की, हाँ, फिर देखो राजस्थान चरखा संघ, राजस्थान चरखा संघ अजमेर में बनाया गया। अजमेर में राजस्थान चरखा संघ 1925 में बनाया गया। फिर क्या है कि ओम दत्त मिस्त्री, मदनलाल खेतान ने अमृतसर जयपुर में इसका कार्य प्रारंभ किया। और इस संघ ने खादी के साथ साथ शिक्षा, अब ये इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान चरखा संघ, ठीक है, इसने किस किस पे काम किया? एक तो शिक्षा, चिकित्सा, छुआछूत निवारण पर भी काम किया। किस किस पे? एक तो खादी के लिए काम किए, वो तो सबको पता है, लेकिन शिक्षा, चिकित्सा और छुआछूत निवारण के लिए भी राजस्थान चरखा संघ, जिसकी स्थापना 1925 अजमेर में की गई थी, ठीक है क्या? इसने मुख्यतः खादी पे काम किया, शिक्षा, चिकित्सा और छुआछूत निवारण पे भी इसने कार्य किया। और इसको जयपुर में, इसके जो कौन संचालित करता था, इसमें ओम दत्त मिस्त्री और मदन लाल खेतान राजस्थान चरखा संघ, ठीक है? फिर आगे पढ़ते हैं दोस्तों जीवन कुटीर या फिर वनस्थली, ठीक है? जीवन कुटीर या वनस्थली टोंक के अंदर कब बनाई गई? यह 1929 के अंदर किसके द्वारा? हीरा लाल शास्त्री जी के द्वारा बनाई गई थी। और जयपुर की निवाई तहसील, जो कि वर्तमान में टोंक जिले में आती है, 12 मई 1929 को बनाई गई जीवन कुटीर वनस्थली। और इसका उद्देश्य क्या था कि समय के साधनों से नए ग्राम समाज की
रचना करना जो स्वावलंबन पर आधारित हो। जीवन कुटीर के चार सिद्धांत थे, ठीक है क्या? जीवन कुटीर के कितने सिद्धांत थे? चार। कौन कौन से थे यह याद रखना बहुत जरूरी है। तो इसके एक तो सत्य, और दूसरा शांति, न्याय और सत्य सत्य कार्य सिद्धि। तो ऐसे याद रखना, पहले तो सत्य याद रख लेना, फिर सत्य के बाद सत्य कार्य सिद्धि, और उसके बाद शांति और न्याय याद रख लेना, ठीक है? तो सत्य, सत्य कार्य, शांति और न्याय, जीवन कुटीर वनस्थली टोंक 1929 के अंदर। अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं? अब तक हम पढ़ चुके हैं देश हितैषी सभा 1870 के अंदर बनाई गई मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह द्वारा। काम क्या था कि कम खर्च करे राजपूत विवाह पर। दूसरी हमने पढ़ी वाल्टर करत राजपूत हितकारिणी सभा 1888 के अंदर, और यह अजमेर के अंदर बनाई गई थी। और इसमें तीन मुख्य निर्णय लिए गए। एक तो विवाह की आयु निर्धारित की गई, बहुविवाह को निषेध किया गया, और क्या है जो रीत और टीके की प्रथा थी उसको भी बंद करने का कहा गया। फिर हमने पढ़ा राजस्थान चरखा संघ, जिसकी स्थापना 1925 में अजमेर में की गई, लेकिन जयपुर में तो मदन लाल खेतान और कौन थे, ओम दत्त मिस्त्री ने इसे संचालित किया था। और राजस्थान चरखा संघ क्या है, खादी के अंदर भी काम करता था, और इसके अलावा चिकित्सा और छुआछूत शिक्षा पर भी कार्य करता था। फिर हमने पढ़ा जीवन कुटीर वनस्थली, जिसकी स्थापना हीरा लाल शास्त्री द्वारा 1929 या फिर 12 मई 1929 के अंदर की गई, जीवन कुटीर की, जो कि वर्तमान में टोंक के अंदर आता है, निवाई तहसील में की गई थी। फिर है जीवन कुटीर के चार क्या थे, सिद्धांत निर्धारित किए गए थे। कौन कौन से? एक तो सत्य और सत्य कार्य सिद्धि, और दूसरा था न्याय और शांति, ठीक है? फिर पढ़ते हैं अपन राजस्थान हरिजन सेवा संघ, ठीक है? राजस्थान हरिजन सेवा संघ, थोड़ा सा इसको ना बड़ा कर लेता हूँ, राजस्थान हरिजन सेवा संघ। तो इसके अंदर क्या हुआ कि राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना कब की गई? राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना 1932 के अंदर की गई। 1932 में गांधी जी ने घनश्याम दास बिड़ला की अध्यक्षता में अखिल भारतीय हरिजन सेवा संघ की स्थापना की। बिड़ला ने अजमेर में हरविलास शारदा को हरिजन सेवा संघ का राजपूताना शाखा का अध्यक्ष मनोनीत किया। इनके सदस्य ने हरिजनों में शिक्षा का प्रचार करना, दूसरा सामाजिक सेवा, और तीसरा उनको संगठित करने का कार्य किया। तो राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना 1932 में की गई थी। इससे पहले है जो घनश्याम दास बिड़ला को गांधी जी ने काम सौंपा अखिल भारतीय हरिजन सेवा संघ का, और उन्होंने राजस्थान के क्षेत्र में चांद किसको सौंप दिया यह काम, हरविलास शारदा को सौंप दिया था। और इसके मुख्य कार्य क्या था, एक तो उनमें जो हरिजनों में शिक्षा का प्रचार करना, सामाजिक सेवा, और उन्हें हरिजनों को संगठित करना, ठीक है क्या? फिर अपन एक बार देख लेते हैं राजस्थान हरिजन सेवा संघ 1932, ठीक है? फिर चलते हैं आगे। आगे क्या है कि सेवा आश्रम अजमेर, सेवा आश्रम अजमेर वाला हरिजन सेवा कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए माणिक्य लाल वर्मा नरेली अजमेर में सेवा आश्रम की स्थापना करते हैं, और इसका प्रमुख उद्देश्य भील हरिजन व पिछड़े लोगों में शिक्षा प्रचार प्रसार समाज सुधार कार्य करना। तो सेवा आश्रम कहाँ था, अजमेर के अंदर, किसने बनाया था, माणिक्य लाल वर्मा ने, कहाँ पर स्थापना की थी, नरेली अजमेर में। काम क्या था, भील और हरिजन और पिछड़े वर्ग के जो भी थे उनमें शिक्षा प्रचार और समाज सुधार करना। सेवा आश्रम माणिक्य लाल वर्मा द्वारा अजमेर के अंदर स्थापित किया गया। फिर देखते हैं दोस्तों अपन वनवासी सेवा संघ। वनवासी सेवा संघ डूंगरपुर के अंदर 1940 में बनाया गया, और इसमें इसकी स्थापना भूरे लाल बयां, भोगी लाल पांड्या और राजकुमार मान सिंह ने मिलकर की सुमाद स्वधारक के प्रयास के लिए की थी। और इसने क्या है, भीलों सहित आदिवासियों में सामाजिक व राजनीतिक चेतना लाने का प्रयास किया। आदिवासियों के लिए स्कूल, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र, छात्रावास आदि सुविधाएं उपलब्ध करवाकर इसमें नई चेतना का प्रसार करना था। तो अपन ने पढ़ा क्या कि एक तो सेवा आश्रम पढ़ा था हरिजनों के लिए, सेवा आश्रम की स्थापना माणिक्य लाल वर्मा ने की थी, कहाँ पे की थी, अजमेर के अंदर की थी।
फिर हमने पढ़ा कि वनवासी सेवा संघ, वनवासी सेवा संघ की स्थापना डूंगरपुर के अंदर 1940 में की गई थी और इसकी स्थापना में मुख्य हाथ किसका रहा था, तो एक थे भोगी लाल पांड्या और एक थे भूरे लाल बयां और राजकुमार मानसिंह का मुख्य हाथ था इसमें। और वही बात कि उनमें शिक्षा का प्रसार करना, सामाजिक सुधार करना, उनको संगठित करना, छात्रावास आदि की व्यवस्था उन्हें उपलब्ध करवाना था। फिर पढ़ते हैं राजस्थान सेवा संघ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। इसकी स्थापना वर्धा के अंदर 1919 में की गई थी, ठीक है क्या। फिर इसकी स्थापना किसने की थी, विजय सिंह पतिंग ने वर्धा में 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी और 1920 में इसका मुख्यालय जो है अजमेर में बनाया गया था। इसके मुख्य उद्देश्य क्या था, एक तो शांतिपूर्ण उद्देश्य द्वारा इसे जनमत को जागरूक करना था राजस्थान सेवा संघ का काम, और राजस्थान की रियासतों में चलने वाले जो भी आंदोलन हैं उनको गति देना था। इसमें मुख्यतः राम नारायण चौधरी, हरी भाई किंकर सक्रिय सदस्य थे। जयपुर, जोधपुर, कोटा, बूंदी में भी इसकी शाखाएं खोली गई थी, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा है, राजस्थान सेवा संघ जिसकी स्थापना 1919 में वर्धा में की गई विजय सिंह पथिक द्वारा, इसका मुख्य कार्य क्या था कि उनमें एक तो राजनीतिक लोगों में चेतना जगाना और दूसरा है जो भी आंदोलन चल रहे हैं उनको गतिशीलता देना। और इसके सक्रिय सदस्य कौन थे राजस्थान सेवा संघ के, एक तो राम नारायण चौधरी थे और दूसरे थे हरी भाई किंकर, ठीक है। तो राम नारायण चौधरी और हरी भाई किंकर राजस्थान सेवा संघ के सक्रिय सदस्य थे। और इसके अलावा हमने पढ़ा कि इसकी जो शाखाएं थी वह एक तो थी जयपुर के अंदर, एक जोधपुर के अंदर, एक बूंदी और कोटा के अंदर भी थी, तो चार शाखाएं थी। इसके अलावा हम इसमें पढ़े कि इसके द्वारा एक तो राजस्थान केसरी नाम की पत्रिका है जो निकाली जाती थी वर्धा से, साप्ताहिक थी ये, और दूसरी है जो नवीन राजस्थान निकाली जाती थी, ठीक है, नवीन राजस्थान और राजस्थान केसरी, ठीक है। नवीन राजस्थान ऐसे ही दोस्तों बाद में तरुण राजस्थान का नाम दे दिया गया था। इसके अलावा राजस्थान सेवा संघ जो कि 1919 में स्थापित था, बिजोलिया और बेंगू किसान आंदोलन एवं सिरोही व उदयपुर के भील आंदोलनों के मार्गदर्शन भी किया था। तरुण राजस्थान के माध्यम से इसने किसानों की समस्या का उजागर किया था। तो तरुण राजस्थान मैंने आपको बताया था, नवीन राजस्थान था उसी का ही नाम था तरुण राजस्थान, और इसके द्वारा क्या काम किया था, किसानों की समस्याओं का समाधान किया था। राजस्थान सेवा संघ कब स्थापना हुई, 1919 के अंदर विजय सिंह पथिक द्वारा वर्धा के अंदर की गई थी, तो वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखें, ठीक है क्या। फिर पढ़ते हैं राजपूताना मध्य भारत सभा, राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना राजस्थान में न होकर 1919 में ही इसकी स्थापना कब हुई थी, जब दिल्ली में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, तब राजपूताना के जो भी लोग थे प्लस मध्य भारत के कार्यकर्ताओं ने मिलकर जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में चांदनी चौक पर स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना की थी। इसका मुख्यालय कहाँ रखा गया, अजमेर में रखा गया। और केसरी सिंह बारठ और गणेश शंकर विद्यार्थी, चांद करण शारदा, स्वामी नरसिंह देव, अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पथिक इसके प्रमुख कार्यकर्ता थे। इसका मुख्य उद्देश्य देसी रियासतों की जनता की दुर्दशा की ओर कांग्रेस का ध्यान आकर्षित करवाना था। मुख्य उद्देश्य था क्या था कि कांग्रेस का ध्यान है जो रियासतों की जनता की दुर्दशा हो रही है उनकी तरफ ध्यान दिलवाना, और शासक व जागीरदारों के मध्य क्या है, विरुद्ध आंदोलन करना था, ठीक है, शासक व जागीरदारों के विरुद्ध आंदोलन करना था। तो हमने क्या पढ़ा है, राजपूताना मध्य भारत सभा जिसकी स्थापना 1919 में की गई, कहाँ पर, दिल्ली में की गई थी, और जब कांग्रेस का एक अधिवेशन हो रहा था, और इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनका ध्यान राजस्थान में चल रही जो विभिन्न प्रकार की राजनीतिक गतिविधियां हैं और जनता की जो दुर्दशा है उसकी तरफ ध्यान लाया जाए, ठीक है, यही उनका मानना था या फिर उनका एक स्थापना करने का उद्देश्य था, ठीक है। फिर चलते हैं अपन आगे, तो वीर भारत सभा,
बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीर भर सभा की स्थापना 1910 में किसके द्वारा की गई? केसरी सिंह बारठ के द्वारा, के क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रसार के लिए गई थी। और एक वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि अभिनव भारत की प्रांतीय शाखा थी कौन सी? वीर भारत सभा 1910 में स्थापित केसरी सिंह बारठ द्वारा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान में स्थित निम्न में से कौन सा संगठन अभिनव भारत का एक प्रांतीय शाखा के रूप में कार्य करता था? तो वह था वीर भारत सभा 1910, केसरी सिंह बारठ, अभिनव भारत का एक क्या था है? प्रांतीय शाखा थी। मारवाड़ सेवा संघ, फिर क्या है? मारवाड़ सेवा संघ। तो मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना कब की गई थी? मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में की गई थी, क्योंकि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना भी 1920 में की गई थी, और उसी की तर्ज पर क्या है, मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना जोधपुर के अंदर की गई, ठीक है। और इसके अध्यक्ष किन्हें रखा गया? दुर्गा शंकर को इनका अध्यक्ष बना दिया गया। और इसके अलावा सदस्य इसके प्रयागराज भंडारी, जयनारायण व्यास, कानमल और भंवर लाल सर्राफ और गिरधारी लाल थे। किसके? मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में ही की गई, राजस्थान सेवा संघ की तर्ज पर। इसके अध्यक्ष कौन थे? दुर्गा शंकर थे इसके अध्यक्ष। और इनका क्या उद्देश्य था कि मारवाड़ की जनता में राजनीतिक जागृति उत्पन्न करना एवं राज्य के अधिकारियों की मनमानी एवं अन्यायपूर्ण गतिविधि का विरोध करना। तो यह था मारवाड़ सेवा संघ। तो राजस्थान सेवा संघ अपन ने पढ़ा जिसकी स्थापना 1920 में की गई, मारवाड़ सेवा संघ अपन ने पढ़ा जिसकी स्थापना 1920 के अंदर की गई थी, ठीक है। और इसके अलावा हमने राजपूताना मध्य भारत सभा भी पढ़ा। क्या? राजपूताना मध्य भारत सभा भी पढ़ा, ठीक है क्या? और राजपूताना मध्य भारत सभा की 1919 में की गई थी, राजस्थान सेवा संघ की भी 1919 में की गई थी, लेकिन इसका मुख्यालय 1920 में अजमेर लाया गया था। और जो मारवाड़ सेवा संघ है उसकी स्थापना 1920 में की गई थी, लेकिन राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में की गई थी। फिर पढ़ते हैं मारवाड़ हितकारिणी सभा। मारवाड़ हितकारिणी सभा के बारे में देखें तो इसका पहले नाम था 1918 में स्थापना से पहले मरुधर हितकारिणी सभा, ठीक है। लेकिन 1923 के अंदर क्या हुआ, इसको स्थापना देखो मरुधर हितकारिणी सभा की 1918 में किसने की थी? चांदमल सुराणा ने की थी। और फिर इसका नाम 1923 के अंदर जय नारायण व्यास ने क्या नाम कर दिया? मारवाड़ हितकारिणी सभा करते हुए इसका पुनर्गठन किया गया जय नारायण व्यास द्वारा। फिर क्या है, 1931 में इसका विलय मारवाड़ यूथ लीग में कर दिया गया। इसने जनता की समस्याओं को शासन के समक्ष रखा तथा किसानों एवं जनसामान्य के आंदोलनों तक चलाया था उनको। अब देखें मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना कब की गई? मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना 1918 में मरुधर हितकारिणी सभा की रूप में चांदमल सुराणा जी ने की थी। फिर 1923 में इसका पुनर्गठन किया किसने किसने किया था? जय नारायण व्यास ने किया था। और इसका नाम कर दिया मारवाड़ हितकारिणी सभा। लेकिन 1931 में ही जय नारायण व्यास द्वारा स्थापित मारवाड़ यूथ लीग में इसका विलय कर दिया गया था। फिर देखते हैं मारवाड़ यूथ लीग। मारवाड़ यूथ लीग के बारे में देखें तो जय नारायण व्यास ने मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की थी, ठीक है क्या। और इसका उद्देश्य नागरिक अधिकारों की रक्षा करना था। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि निम्न में से ऐसे लिखा सकता है कि किस संगठन का उद्देश्य नागरिक अधिकारों की स्थापना करना था? तो मारवाड़ यूथ लीग का उद्देश्य था क्या था, कि जो लोग हैं उनके लिए नागरिक अधिकारों की स्थापना करना था, ठीक है। फिर मारवाड़ यूथ लीग है जो, वह उस इस संस्था ने स्वायत्त शासन क्या चाहिए, इस संस्था ने स्वायत्त शासन और नागरिक अधिकार, शिक्षा, चिकित्सा सुविधा आदि मुद्दे उठाकर जनमत को जागृत करने का प्रयास किया। मारवाड़ यूथ लीग 1931 में मारवाड़ यूथ लीग, और पहले जो अपने 1918 के अंदर स्थापित थी मरुधर हितकारिणी सभा, उसको 1923 के अंदर जो अपने जय नारायण थे, जय नारायण व्यास थे, उन्होंने मारवाड़ हितकारिणी सभा का नाम दे दिया गया। लेकिन 1931 के अंदर
किसके अंदर, मारवाड़ यूथ लीग के अंदर उसका विलय कर दिया गया था। और 1918 में जो स्थापित मरुधर हितकारिणी सभा थी वह किसके द्वारा स्थापित की गई थी, चांदमल सुराणा के द्वारा, चांदमल सुराणा के द्वारा स्थापित की गई थी। ठीक है, फिर चलते हैं दोस्तों आगे। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना 1938 में की गई थी, सॉरी मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना 1938 में की गई थी। अब एक बार वापस बता दूं आपको कि मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना कब की गई, तो मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में की गई थी। ठीक है, इसके अलावा जो मारवाड़ या फिर मरुधर हितकारिणी सभा थी उसकी स्थापना कब की गई थी, 1918 में की गई थी। फिर जो थी मारवाड़ हितकारिणी सभा, मरुधर हितकारिणी सभा, मारवाड़ हितकारिणी सभा, फिर उसकी स्थापना 1923 में की गई थी। फिर मारवाड़ युवा संगठन की स्थापना कब की गई थी, 1931 में मारवाड़ यूथ लीग की फिर युवा संगठन की स्थापना की गई थी। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना 1938 में की जाती है। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना जय नारायण व्यास की प्रेरणा से जोधपुर में की गई थी। रणछोड़ दास कटानी इसके अध्यक्ष बने थे, किसके, मारवाड़ लोक परिषद के। और इसके अलावा अभयमल जैन, अचलेश्वर शर्मा, मथुरा दास माथुर इसके सदस्य थे। कौन कौन से थे, अभयमल, अचलेश्वर, मथुरा दास मारवाड़ लोक परिषद के सदस्य थे। इस परिषद का मुख्य उद्देश्य महाराजा की छत्र छाया में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। 1938 के बाद जोधपुर में राजनीतिक गतिविधियों का संचालन मारवाड़ लोक परिषद के बैनर तले ही हुआ था। तो मारवाड़ लोक परिषद जो अपने मारवाड़ है उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अपने लिए भी इम्पोर्टेंट है। कि तो सर्वप्रथम देखते हैं कि मारवाड़ जो मारवाड़ लोक परिषद है उसकी स्थापना 1938 के अंदर की गई थी जोधपुर में, जो जय नारायण व्यास है उन्हीं के प्रेरणा से की गई थी। और रणछोड़ दास गट्टानी को इसका अध्यक्ष बनाया गया। अन्य सदस्य के रूप में अचलेश्वर दास थे, अचलेश्वर शर्मा थे, और अभयमल जैन थे, और मथुरा दास माथुर थे। ठीक है, और इसके अलावा अपन पढ़ते हैं सद्विद्या प्रचारिणी सभा, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सद्विद्या प्रचारिणी सभा बीकानेर की एक संगठन था और इसकी स्थापना 1920 में ही की गई थी। और इसके दो प्रमुख सामाजिक राजनीतिक नाटक कौन कौन से, धर्म विजय और सत्य विजय। सद्विद्या प्रचारिणी सभा बीकानेर 1920, धर्म विजय और सत्य विजय। ठीक है क्या। फिर है प्रजा प्रतिनिधि सभा कोटा के अंदर जो स्थापित थी। प्रजा प्रतिनिधि स्थापक सभा की स्थापना कोटा में 1920 को की गई थी। और कोटा में नागरिकों की शिकायतों को महकमा खास के सम्मुख रखने के लिए इस सभा की स्थापना की गई। इसने राजनीतिक अधिकारों की मांग शुरू की तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना 1920 में कोटा में की जाती है। प्रजा प्रतिनिधि की स्थापना 1920 में कोटा में की जाती है। फिर है महिला मंडल, स्थापना उदयपुर में 1935 में की गई थी। और 1935 ईस्वी में दया शंकर क्षत्रिय ने उदयपुर में इसकी स्थापना 1935 में की थी। उद्देश्य महिलाओं में राजनीतिक चेतना एवं राष्ट्रीयता की भावना को विकास करना था। इसके लिए इन्होंने प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए थे। महिला मंडल की स्थापना 1935 में किसके किसके प्रयासों से हुई थी, दया शंकर क्षत्रिय के प्रयासों से उदयपुर में की गई महिला मंडल की स्थापना। ठीक है, तो फिर पढ़ते हैं सर्वहितकारिणी सभा जो कि चूरू में स्थापित की गई। सर्वहितकारिणी सभा यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुछ इसमें नए नए फैक्ट आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि 1913 से 14 में स्वामी गोपालदास ने किसकी सहायता से, पंडित कन्हैयालाल और मास्टर श्री राम के सहयोग से सर्वहितकारिणी सभा चूरू में स्थापित करते हैं। इस संस्था ने अपने राजनीतिक कार्यों के कारण इसे ही चूरू की कांग्रेस इसे कहा जाता था। किसे, सर्वहितकारिणी सभा को चूरू की कांग्रेस कहा जाता था। और इसका मुख्य उद्देश्य विद्या प्रचार, दुखियों की सेवा तथा समाज सुधार करना था। इस संस्था पर आचार्य जो आर्य समाज है, सॉरी आर्य समाज का विचारधारा का काफ़ी प्रभाव था। किस पे, सर्वहितकारिणी सभा चूरू पर। फिर
फिर क्या है कि हरिजनों को शिक्षा देने के लिए या फिर शिक्षित करने के लिए इन्होंने कबीर पाठशालाएं स्थापित की थी। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से किसे चूरू की कांग्रेस कहा जाता था? तो अपन बोल देंगे सर्वहितकारी सभा को। निम्न में से किसने कबीर पाठशालाएं स्थापित की थी? तो अपन बोल देंगे कि सर्वहितकारी सभा ने की थी। बीकानेर राज्य सरकार ने इसका राष्ट्रीय गतिविधियों के कारण इसके प्रति दमनकारी नीति अपनाई थी। किसके प्रति? सर्वहितकारी सभा के प्रति। ठीक है, फिर पढ़ते हैं दोस्तों। मित्र मंडल बिजोलिया के अंदर स्थापित था मित्र मंडल, और इसकी स्थापना साधु सीताराम ने की थी। किसकी? मित्र मंडल की। और इसने जो बिजोलिया किसान आंदोलन है वहाँ पर जन चेतना जगाने का कार्य किया था, और इसे इस मंडली के सदस्य ही थे कौन? अलग अलग जो भंवरलाल सरवणकर हैं वह भी मित्र मंडली के सदस्य थे। उन्होंने अपने गीतों के माध्यम से बिजोलिया में जन चेतना जागृत करवाई थी। इसके बाद पढ़ते हैं आज़ाद मोर्चा कहाँ का? जयपुर में था। और कब स्थापित हुआ आज़ाद मोर्चा? 1942 में स्थापित आज़ाद मोर्चे ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयपुर राज्य में आंदोलन करने या न करने को लेकर क्या हुआ कि जयपुर प्रजामंडल के नेता हीरा लाल शास्त्री व अन्य प्रधानमंत्री कौन थे? मिर्जा इस्माइल से के मध्य एक जेंटलमैन समझौता होता है। कब? 1942 में। और इस समझौते के तहत क्या हुआ, जो हीरालाल शास्त्री थे उन्होंने प्रजामंडल के विरुद्ध जो आंदोलन चला रहे थे उसका विचार क्या है ख़त्म कर दिया कि हम नहीं करेंगे। और इसी से परेशान होकर जो प्रजामंडल के अन्य सदस्य थे जो चाहते थे कि जो आप प्रजामंडल आंदोलन ना छोड़ें, तो उसके कारण उन्होंने अन्य लोगों ने बाबा हरीशचंद्र के नेतृत्व में आज़ाद मोर्चा की स्थापना की थी। ठीक है, अलग हो गए थे प्रजामंडल आंदोलन से। आज़ाद मोर्चा की स्थापना किसने की थी? बाबा हरीशचंद्र ने की थी। फिर है कि रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी, हंस डी राय, गुलाब चंद कासडी वाला भी आज़ाद मोर्चा के सदस्य थे। आज़ाद मोर्चा ने आंदोलन चलाकर गांधी जी के करो या मरो नारे को आम जन तक पहुंचाया था। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, निम्न में से किस संगठन द्वारा करो या मरो के नारे को लोगों तक पहुंचाया गया था? वह राजनीतिक संगठन है राजस्थान का, तो आज़ाद मोर्चा। ठीक है, और बाबा हरीशचंद्र के नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई थी। इसने सिखावटी की जागीरों में भी राजनीतिक जागृति पैदा की थी। 1945 में जवाहरलाल नेहरू की प्रेरणा से आज़ाद मोर्चा का पुनः प्रजामंडल में विलय कर दिया गया। आज़ाद मोर्चा की स्थापना 1942 में कहाँ पर होती है? जयपुर में होती है बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में। और वापिस से 1945 में क्या है, आज़ाद मोर्चा को प्रजामंडल में किसके प्रेरणा से? जवाहरलाल नेहरू की प्रेरणा से वापिस को प्रजामंडल में मिला दिया गया आज़ाद मोर्चे को। ठीक है, तो दोस्तों ये थे अपने संगठन। इसके अलावा ये आपको एक सारणी प्रोवाइड की गई है जिसके अंदर आप देख सकते हैं इनका शॉर्टकट वर्ष और किसने संस्थापना इनकी की थी। जैसे कि अपन पढ़ के वीर भारत सभा की स्थापना 1910 में केसरी सिंह भारत ने की थी, और यह एक क्रांतिकारी संगठन था। संप सभा की स्थापना 1883 के अंदर गोविंद गुरु ने की थी, और भिल्लों में संगठित करने हेतु इसे संप सभा को गोविंद गुरु ने 1883 में स्थापित किया था। मारवाड़ सेवा संघ जो कि 1920 में स्थापित किया था राजस्थान सेवा संघ की तर्ज पर, चांदमल सुराणा ने इसकी स्थापना की थी। और फिर देखते हैं मारवाड़ हितकारिणी सभा, मारवाड़ में प्रथम राजनीतिक संघ संस्था कौन थी? तो मारवाड़ सेवा संघ थी। फिर मारवाड़ हितकारिणी सभा जिसकी स्थापना 1923 में की गई थी, जय नारायण व्यास व अध्यक्ष थे इसके चांदमल सुराणा। तो मरुधर हितकारिणी सभा थी ना, जो मरुधर हितकारिणी सभा उसकी स्थापना 1918 में किसने की थी? चांदमल सुराणा ने की थी। और उसी का नाम ही 1923 में मारवाड़ हितकारिणी सभा किसके द्वारा कर दिया गया था? जय नारायण व्यास द्वारा कर दिया गया था। फिर है कि राजस्थान सेवा संघ जिसकी स्थापना 1919 में की गई थी विजय सिंह पथिक द्वारा वर्धा के अंदर, और 1920 के अंदर राजस्थान सेवा संघ का मुख्यालय कहाँ बना दिया गया? अजमेर में बना दिया गया था। ठीक है, इसकी विभिन्न पत्रिकाएं भी मैंने कौन कौन सी बताई थी आपको, एक तो थी राजस्थान केसरी, दूसरी कौन थी नवीन राजस्थान जिसे क्या नाम दे दिया गया था, तरुण राजस्थान नाम से जिसे
एक नाम दे दिया गया था। ठीक है, और इसके अलावा इसके सक्रिय सदस्य कौन थे? एक तो राम नारायण चौधरी थे, और दूसरा सदस्य आप कमेंट में लिख के बताएं कि दूसरा सक्रिय सदस्य कौन सा था। ठीक है क्या? फिर दोस्तों आगे देखें। हाँ, राजपूत मध्य भारत सभा जिसकी स्थापना दिल्ली के अंदर की गई थी जमना लाल बजाज की अध्यक्षता में, ठीक है, कब? 1918 के अंदर। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था आप वह भी कमेंट में लिखकर मुझे बताएं। फिर है अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद जिसकी स्थापना 1927 में की गई थी, और राजपूताना मध्य भारत सभा द्वारा ही अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना की गई थी। इसका प्रथम अधिवेशन 17 से 17-18 दिसंबर 1927 को बम्बई में हुआ था। प्रधान कार्यालय बम्बई में ही था यह। फिर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नागरी प्रचारिणी सभा जिसकी स्थापना किसने की थी? नागरी प्रचारिणी की सभा की स्थापना की थी जो अपने राठी जी थे ना, दामोदर दास राठी। दामोदर दास राठी ने किसकी की थी? नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना की थी। दामोदर दास राठी ने ही 1889 के अंदर जो अपनी कृष्णा मिल्स ब्यावर के अंदर सूती वस्त्र मिल बनाई थी। ठीक है, फिर देखें कि नागरी प्रचारिणी सभा का मुख्य उद्देश्य था कि हिंदी का प्रचार प्रसार करना। किसका? हिंदी का। ठीक है क्या? हिंदी का प्रचार प्रसार करना। नागरी प्रचारिणी सभा कब बनाई गई? 1934 में। सर्वहितकारिणी सभा चूरू वाली जो मैंने आपको बताई थी, और इसको कन्हैयालाल डूंड गोपाल दास इसके मुख्य संस्थापक थे। और फिर है वर्धमान विद्यालय जो कि अर्जुन लाल सेठी द्वारा 1907 में क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र था। विभिन्न जो कि क्रांतिकारी थे वर्धमान विद्यालय के ही वह क्या थे? स्टूडेंट थे। फिर है हरिजन सेवा संघ और भोगी लाल पांड्या। और इसके अलावा 1935 में हरिजन सेवा संघ समिति की स्थापना हुई। और भागड़ सेवा मंदिर जिसकी स्थापना गौरी शंकर उपाध्याय द्वारा डूंगर में की जाती है। हिंदी साहित्य समिति की स्थापना जगन्नाथ दास अधिकारी द्वारा की थी। खांडलाई आश्रम 1934 में स्थापित माणिक्य लाल वर्मा द्वारा था। फिर बाल भारत सभा छगन लाल चौपासनी वाला द्वारा स्थापित 1931 में था। सेवा संघ की स्थापना भोगी लाल पांड्या ने की थी या फिर माणिक्य लाल वर्मा ने की थी, वह आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। ओके दोस्तों, धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को, और कुछ सुधार करना है तो उसे भी कमेंट में लिख दें।